भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा पिंक बॉल टेस्ट मैच का पहला दिन पूरे तरीके से ऐसा लगता है कि टीम इंडिया के नाम नजर आने वाला है। जी हां, पहले सेशन में जहां पर भारत ने इंग्लैंड की चार बड़ी विकेटें गिराई थी, वहीं दूसरे सेशन में भारतीय टीम ने इंग्लिश टीम को तीन बड़े झटके दे दिए हैं, वो भी 8 ओवर के अंदर। जी हां, आपको बता दें कि 35वें ओवर की दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल ने सीधा बोल्ड मारा यहां पर जोफ्रा आर्चर को और अंग्रेजों को दे दिया 7वां झटका। ये बहुत बड़ा विकेट इंग्लिश टीम का गिरा है। 93-7 है इंग्लिश टीम का स्कोर। ऐसा लगता है कि भारतीय टीम जल्द समेटने की तैयारी कर रही थी और जरूरी भी था कि इनको जल्द से जल्द समेटा जाए, क्योंकि यहां पर टीम इंडिया भी ये बात जानती है कि अगर यहां पर इंग्लिश टीम ने 150 से 200 रन बोर्ड पर लगा दिए तो फिर उस टीम को यहां पर आउट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वहीं भारतीय टीम को चौथी पारी में बल्लेबाजी करनी है। उन चीज़ों को अगर ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो फिर यहाँ पर टीम इंडिया को काफ़ी कुछ सोचने की ज़रूरत है। हालांकि आपको बता दें कि आज अक्षर पटेल का तूफान एक बार फिर देखने को मिला है। 4 विकेटें यहाँ पर अक्षर पटेल ने झटक दी हैं और बहुत बड़ी बड़ी विकेटें यहाँ पर निकाली हैं अक्षर पटेल ने। बड़ी बात यह है कि इससे पहले अक्षर पटेल ने आउट किया था जॉनी बेस्टो को, जैक क्रॉली को, बेन स्टोक्स को और अब चौथे विकेट के रूप में जोफ्रा आर्चर को इन्होंने चलता किया, जिसके बाद अब ऐसा लगता है कि इंग्लिश टीम अब पूरे तरीके से दबाव में नजर आ रही है। टीम इंडिया का पूरे तरीके से कोशिश होगी कि यहाँ पर इंग्लिश टीम पर दबाव बना जाए और जल्द से जल्द उन्हें समेटा जाए ताकि अंडर ट्वाइलाइट यानी कि तीसरे सेशन में भारतीय टीम की बल्लेबाजी आ जाए, जिससे कि भारत को फायदा हो जाए, क्योंकि तीसरे सेशन में इस पिंक बॉल टेस्ट में सबसे अच्छा वो सेशन होता है बल्लेबाजी के लिए। ANP न्यूज़ रूम से रोहित शर्मा की रिपोर्ट।